जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संतवाणी से संकीर्तन महिमा। भगवान के नाम रूप लीला व गुणों का संकीर्तन किया जाता है। सभी प्रकार के संकीर्तनों में सबसे अधिक महिमा संतों व शास्त्रों ने हरि नाम संकीर्तन की गाई है। यहाँ तक कि जप से भी ज़्यादा नाम संकीर्तन की महिमा गाई है। नाम का गायन ही कलयुग की सर्वश्रेष्ठ साधना है। इसलिए संकीर्तन करो, संकीर्तन करो। श्रीमद् भागवत जी ने मुक्त कंठ से संकीर्तन महिमा का गायन किया है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजित। परमहंस जी श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन कलयुग दोषों का भंडार है, तथापि इसमें यही एक महान गुण है कि इस युग में भी श्री कृष्ण कीर्तन मात्र से मनुष्य की सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में भगवान की पूजा से जो फल मिलता था, वह सब कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। सूरदास जी के शब्दों में, जो सुख होत गोपाल ही गाएं, सो नहीं होत किए जप तपते कोटिक तीर्थ नहाए। कबीरदास जी कहते हैं, कथा कीर्तन कलि विषय भव सागर की नाव, कह कबीर भव तारण को नाहिन और उपाय। स्वयं भगवान का कथन है, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम च योगी नाम हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे देवर्षि नारद, मैं न तो वैकुंठ में निवास करता हूँ और न ही योगी जनों के हृदय में मेरा निवास होता है। मैं तो उन भक्तों के पास सदैव रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मुझको चित्त से लगा और तन्मय होकर मुझको भजते हैं और मेरे मधुर नामों का संकीर्तन करते हैं। जहाँ हरि के नाम का होता है गुणगान, वहीं अयोध्या द्वारिका, वहीं बसे भगवान। जहाँ भी भक्तगण एक साथ मिलकर या अकेले में ही कीर्तन करते हैं, वहाँ भगवान का प्रकट सानिध्य होता है। शास्त्र की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी संकीर्तन करो, मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं अपने प्रभु के पास बैठकर उनको प्रसन्न करने के लिए ही संकीर्तन कर रहा हूँ। वो मेरे संकीर्तन को सुनकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, कृपा की वर्षा कर रहे हैं। अपने समीप प्रभु को जानकर हृदय में प्रेम छलकने लगता है। धीरे धीरे यही प्रेम सारे शरीर से संचारित होकर साधक को आत्मसात कर लेता है। फिर साधक बैठ नहीं सकता, कभी लज्जा का परित्याग कर नाचने लगता है, कभी प्रभु के मानसिक दर्शन कर हंसने लगता है, कभी दीन होकर रोने लगता है, कभी कभी तो वो बेसुध होकर गिर पड़ता है। इस प्रकार किया गया संकीर्तन साधक को बहुत जल्दी पवित्र बनाकर प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। यहाँ पर यह बात बता देनी बहुत आवश्यक है कि आजकल ढोंग और पाखंड बहुत होने लगा है। लोग दिखावे के लिए रोना, नाचना, नाचते नाचते गिर पड़ना व अपने में भगवत आवेश अष्ट सात्विक भावों का झूठा प्रदर्शन करना तथा लोगों को झूठे आशीर्वाद देना, भोले भाले अनजान लोगों को झूठ मूठ में ही दुख दूर करने के लिए कुछ बताना या ताबीज आदि देना, इस प्रकार साधक साधना के पथ से धीरे धीरे इतनी दूर चला जाता है कि उसका वापस अपने असली मार्ग पर आना ही कठिन हो जाता है। दुनिया की झूठी वाह वाह व तुच्छ धन के पीछे अमूल्य मानव जीवन खो बैठता है। इसलिए साधक को किसी संत महापुरुष के अधीन रहकर ही साधना करनी चाहिए और समय समय पर अपने मन की अच्छी बुरी स्थितियों के बारे में निसंकोच बता देना चाहिए। इसलिए सावधान होकर अपनी साधना में लगे रहना चाहिए। सावधानी का नाम ही साधना है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नाम संकीर्तन से जाति पाति का कोई भेद नहीं। साधक किसी भी वर्ण आश्रम से संबंध रखने वाला क्यों ना हो, संकीर्तन सभी को करना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र, अंत्यज आदि जहाँ तहाँ भी विष्णु भगवान के नामों का अनुकीर्तन करते रहते हैं, वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं।
नाम संकीर्तन में देश काल तथा शौच अशौच का भी नियम नहीं है। कहीं भी किसी भी समय वे किसी भी अवस्था में संकीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन में देश काल का कोई नियम नहीं, शौच अशौच आदि का निर्णय करने की भी आवश्यकता नहीं। केवल राम राम इस प्रकार कीर्तन करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। अपवित्र हो या पवित्र, सभी अवस्थाओं में जो कमल नयन भगवान का स्मरण करता है वह बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। जय श्री राधे।